हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। मध्य रेल ने वर्धा और नागपुर के बीच सप्ताह में शनिवार छोड़कर हफ्ते में 6 दिन मेमू सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया है। गाड़ी नंबर 01373 वर्धा नागपुर मेमू शनिवार छोड़कर हफ्ते में 6 दिन वर्धा से 22 अप्रैल को शाम 5:15 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन शाम 7:30 बजे नागपुर पहुंचेगी। गाड़ी नंबर 01374 नागपुर वर्धा मेमू रविवार छोड़कर हफ्ते में 6 दिन नागपुर से दिनांक 23 अप्रैल को सुबह 8 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 10 बजे वर्धा पहुंचेगी। सेवाग्राम, वरुड, सेलू रोड, तुलजापुर, सिंधी, बोरखेड़ी, बुट्टीबोरी, गुमगांव, खापरी और अजनी हॉल्ट रहेगा। निदेशक लेखा डाक तथा वित्त एवं संचार लेखा परीक्षा कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से अम्बेडकर एवं बुद्ध जयंती का आयोजन किया गया। महापुरुषों को नमन करते हुए निदेशक अंकुर कुमार ने कहा कि संविधान भारतीयता का संरक्षक है जो हमें न्याय, स्वतंत्रता और समता प्रदान करते हुए एक सच्चा संप्रभु लोकतंत्र बनाता है। इस अवसर पर संयुक्त जयंती आयोजन समिति की ओर से संविधान निर्माताओं के सपनों के भारत की वास्तविकता विषय पर एक परिसंवाद भी आयोजित किया गया जिसमें कार्यालय के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परिसंवाद के मुख्य अतिथि रहे सामाजिक कार्यकर्ता अतुल लोंढे ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज संविधान के दायरे में रहकर सामाजिक हित के कार्यों को करने की आवश्यकता है ताकि समाज के सभी वर्गों में विश्वास, आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारा पुनर्स्थापित हो सके। परिसंवाद के निर्णायक के रूप में ESIC के डॉक्टर जयप्रकाश एवं भाषा भारती के रविंद्र देवगरे शलभ उपस्थित रहे। सहायक लेखा अधिकारी शौनक गाड़गे ने स्मिता सोनौने के लिए प्रथम, जसवंत पाटिल के लिए द्वितीय एवं PS कुकड़े के लिए तृतीय पुरस्कार घोषित किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष आदेश मेंढे ने अपने वक्तव्य में कहा कि युवाओं को भविष्य की पूंजी मानकर उनके हितार्थ कार्य करने की आवश्यकता है। हाल ही में उत्तर भारतीय सभा द्वारा सिविल लाइन में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री ने कहा कि आज के वातावरण के अनुसार हर मनुष्य को सुरक्षित रहना है तो समाज से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। संगठन के बिना हम अधूरे हैं। एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। हर सुख और दुख में समाज का बड़ा योगदान और सहयोग रहता है, इसलिए समाज को एक बड़े परिवार के रूप में देखा जा सकता है। समाज को मजबूत बनाने का और संगठित करने का संकल्प करने की अपील भी उन्होंने की। आने वाले 22 मई को सामाजिक उत्थान के लिए तत्पर पुलिस कर्मियों का सभा की ओर से सम्मान किया जाएगा। विश्व में उथल पुथल चल रही है। आज हर मानव के अंदर महाभारत व द्वंद्व की स्थिति निर्माण हो चुकी है जिसकी वजह से जीवन में तनाव दिखाई दे रहा है। इससे निजात पाने का सबसे अच्छा मार्ग समाज से जुड़े रहना है। स्वागत भाषण राम प्रताप शुक्ला ने किया। इस अवसर पर MM शर्मा, TP तिवारी, प्रवीण सिंह, शैलेश यादव, सचिन शर्मा तथा बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। मुफ्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत लॉटरी के दस्तावेजों की पुष्टि होने के बाद आवेदन का वितरण किया गया। इस अवसर पर शहर की URC 1 की वेरिफिकेशन कमेटी के अध्यक्ष भास्कर झोड़े, उपशिक्षणाधिकारी हीरामन कुमरे, समन्वयक मोहम्मद शाहिद शरीफ, चेयरमैन RTE एक्शन कमेटी के हाथों विद्यार्थी पंखुड़ी रविंद्र शाहू को संचेती पब्लिक स्कूल का प्रथम प्रवेश पत्र दिया गया। इस अवसर पर कार्यालय के राजाराम वागाड़े, मेघराज फुलके, राम लोंढे, जांच समिति सदस्य मनीषा सोनटक्के, प्रकाश बालबुदे, अशोक डोए, सुनीता बावने, संध्या दुबे, साधन व्यक्ति, शब्बीर टेकाड़े, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि उपस्थित थे। पालकों के निवेदन पर जांच कराने की तिथि बढ़ाई गई है। RTE एक्शन कमेटी ने कहा है कि लॉटरी में प्राप्त आवेदन की पुष्टि करने के लिए 29 तारीख तक पालक कार्यालय से अपने दस्तावेज की जांच कर सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से शेख वसीम लाला की अध्यक्षता में पाटनकर चौक प्रभाग 2 नारी स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में शरबत व महाप्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन युवा महासचिव दिनेश कालबांडे ने किया। इस अवसर पर उत्तर नागपुर अध्यक्ष महेंद्र भांगे, सुनील लांजीवार, राकापा युवा शहर अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी, वर्षा श्यामकुले, प्रीति खांडेकर, ब्रिजपाल सिंह साहनी, शहजाद अंसारी, सतीश कटारे, शफीक खान, सचिन भैसारे आदि उपस्थित थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में रमजान माह के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द के बीच शेर ए हिंद टीपू सुल्तान अल्पसंख्यक संस्था द्वारा कव्वाली का आयोजन किया गया जो वाकई में हिंदू मुस्लिम की एकता का जीता जागता सबूत है। स्थानीय तहसील क्रीड़ा संकुल में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कव्वाली का कार्यक्रम हुआ।
इस अनूठी पहल की शुरुआत करने वाले शेरे हिंद टीपू सुल्तान अल्पसंख्यक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष शहबाज खान है। मंगरुलपीर में किंग मलक के नाम से मशहूर खान का कहना है, अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि लोग एक दूसरे से सांप्रदायिक और जाति के मामलों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हम अलग अलग धर्मों के ईश्वर को लेकर विवाद में उलझे रहते हैं, लेकिन ईश्वर कभी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं। कार्यक्रम का संचालन भास्कर मूले ने किया। कव्वाली कार्यक्रम में संस्थापक अध्यक्ष शहबाज खान, एसएस मनवर, एडवोकेट मिलिंद बुलके, पत्रकार प्रमोद भगत, पत्रकार अशोक राधे, प्रोफेसर संजीव इंगले आदि उपस्थित थे। श्री महावीर भगवान जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर श्री राजस्थानी नागदा दिगंबर जैन समाज के अंतर्गत श्री वीर सेवा संगठन द्वारा महाप्रसाद का आयोजन श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर जूनी शुक्रवारी ग्रेट नाग रोड नागपुर में किया गया, जिसमें 6000 से 7000 लोगों ने महाप्रसाद एवं ठंडाई का आनंद लिया। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुमत लल्ला जैन और जनसेवा मंडल के पदाधिकारियों द्वारा महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अध्यक्ष मनीष दोषी, सचिव हार्दिक तोरावत, पंकज सिंहावत, पंकज केलावत, विजित भीमावत, महावीर सिंघवी, विकास सिंघवी, जितेंद्र हेमावत, रोहित दोषी, पवन तोरावत, अनिल दोषी, अजित ढालावत, निर्मल तोरावत, हितेश सिंघवी, अंकेश दोषी, प्रवीण गुनावत, हितेश सिंघवी, रोहित सिंघवी, पीयूष सिंघवी, अजय तोरावत, देवेश वलमावत आदि ने प्रयास किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के नागपुर शहर अध्यक्ष शेख वसीम लाला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से रवि भवन में मिला। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भाजपा के एजेंडे पर चलकर शहर एवं राज्य में दो समुदायों के बीच भाईचारे को खत्म करना चाहती है, अतः मनसे प्रमुख एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं नेताओं द्वारा निर्माण की जा रही इस समस्या को गंभीरता से लेकर उन पर कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान इस ज्ञापन में किया गया। मनसे नेताओं पर यदि कार्रवाई हो तो नागरिक शांति से रह सकेंगे और दो समुदायों के बीच भाईचारे का माहौल बना रहेगा। हिंसा भड़काने के प्रयास को हर हाल में असफल करने का आह्वान भी ज्ञापन में किया गया। प्रतिनिधिमंडल में मध्य नागपुर राकापा अध्यक्ष रिजवान अंसारी, ब्रिजपाल सिंह सहानी, शहजाद अंसारी, शफीक खान, ज्ञान वलवानी, माजिद कुरैशी आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। हाल ही में नागपुर में अतिरिक्त आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने वाली डॉक्टर माधवी खोड़े चौरे को नागपुर विभागीय आयुक्त के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस संबंध में बुधवार शाम को आदेश जारी कर दिया गया। इससे पूर्व संभागीय आयुक्त का पदभार अमरावती विभागीय आयुक्त को सौंपा गया था, क्योंकि पूर्व संभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा को केंद्र सरकार के टेक्सटाइल्स विभाग के सहसचिव के रूप में पदस्थ किया गया है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर माधवी खोड़े चौरे को यह प्रभार सौंपा गया है। इस संबंध में आदेश मिलने के बाद जिला कलेक्टर आर विमला ने डॉक्टर माधवी खोड़े चौरे का सत्कार किया। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3188 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,92,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 5 मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 42,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 30,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। भरी सभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक विधायक गलत तरीके से घटनाक्रम प्रस्तुत करते हुए पुजारियों की खिल्ली उड़ाता है और उस वक्तव्य को सुनकर मंच पर उपस्थित दो मंत्री शर्मनाक हास्य करते हैं। यह महाराष्ट्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। स्वयं के धर्म की खिल्ली उड़ाना, राष्ट्रीय कार्य समझना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की डेली रूटीन बन गई है। यदि दम हो तो वे भरी सभा में इसी प्रकार से अन्य धर्मों के पुजारियों व मौलवियों की खिल्ली उड़ाकर दिखाए। यह सनसनीखेज प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व महापौर संदीप जोशी ने राकापा नेताओं पर निशाना साधते हुए दी है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्य के आला पुलिस अधिकारियों की तैनाती में बड़ा फेरबदल किया। सिटी पुलिस के डीआईजी क्राइम सुनील फुलारी का प्रमोशन के साथ शहर से तबादला किया गया है। उन्हें परिवहन विभाग का विशेष पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। उनके अलावा शहर से दो उपायुक्त का भी तबादला हुआ है।
आर्थिक अपराध अन्वेषण विभाग ईओडब्ल्यू के डीसीपी अक्षय शिंदे को उस्मानाबाद जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीसीपी जोन 5 मनीष कलवानिया को औरंगाबाद ग्रामीण की कमान सौंपी गई है। फुलारी की जगह पर 2008 बैच की आईपीएस अफसर नीवा जैन को नागपुर भेजा गया है। उन्हें बतौर डीआईजी साउथ रीजन नागपुर में तैनात किया गया है। नीवा जम्मू कश्मीर कैडर की आईपीएस अधिकारी है। उनके पति लक्ष्मी नारायण मिश्रा एक आईएएस अधिकारी है। वे रत्नागिरी के कलेक्टर रह चुके हैं और फिलहाल पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के डायरेक्टर है। नीवा ने 2018 में केंद्र सरकार से महाराष्ट्र में तबादला मांगा। वे इसके पहले सीआईडी पुणे, अमरावती, एसआरपीएफ पुणे ग्रुप एक में काम कर चुकी है। वर्तमान में उनकी पोस्टिंग एसपी उस्मानाबाद है। डीआईजी प्रमोशन पर उन्हें नागपुर भेजा गया है। पहले नागपुर में बतौर डीसीपी काम कर चुके डीआईजी स्पेशल सिक्योरिटी निशित मिश्रा को भी प्रमोशन दिया गया है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री तथा काटोल के विधायक अनिल देशमुख द्वारा काटोल में महिला बटालियन प्रशिक्षण केंद्र को मंजूरी प्रदान की गई थी। देशमुख के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए महिला पुलिस बटालियन की स्थापना हेतु हम गृह मंत्रालय के साथ इस दिशा में संभव प्रयास कर रहे हैं। इस आशय के विचार राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने रवि भवन के सभागार में काटोल विधानसभा चुनाव क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के समक्ष जायजा बैठक के दौरान व्यक्त किए। काटोल के लिए मंजूर किए गए महिला बटालियन की स्थापना के लिए गृह विभाग द्वारा सभी उचित कार्रवाई की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी प्रकल्प को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर राकापा के युवा नेता तथा जिला परिषद सदस्य सलील देशमुख, राहुल देशमुख, शिवसेना के राजेंद्र हरने, कांग्रेस के सुदर्शन नवघरे के साथ साथ काटोल विधानसभा चुनाव क्षेत्र के जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद के पदाधिकारियों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हुए बाजारगांव में एक पुलिस स्टेशन की स्थापना करने का भी प्रस्ताव पारित करवाया था। इस जायजा बैठक में बताया गया कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने काटोल शहर को सीसीटीवी कैमरे का नेटवर्क लगाने की पहल भी की थी। इस पर वलसे पाटिल ने कहा कि इस दिशा में भी गृह मंत्रालय जल्द कार्रवाई करेगी। नागपुर महानगर पालिका द्वारा 12 अप्रैल से नदियों और नालों की सफाई का अभियान शुरू किया गया। मानसून से पहले शहर से होकर बहने वाली नदियों और नालों को पूरी तरह से साफ कर लेने के निर्देश मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने मनपा अधिकारियों को हाल ही में आयोजित एक समीक्षा बैठक के अवसर पर दिए थे। कुल मिलाकर नदी और नाले के सफाई अभियान में संतोषजनक प्रगति हुई है और 227 नालों में से अब तक 84 नालों की सफाई की जा चुकी है। मनपा अधिकारी गजेंद्र महल्ले ने कार्य की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा, इस वर्ष नदी नाला सफाई अभियान दो चरणों में चलाया जा रहा है। पहले चरण में 6 अनुमंडलों में अभियान चलाया जाएगा और दूसरा चरण 1 मई से प्रारंभ होगा। 80,000 से 1.5 लाख मीट्रिक टन कीचड़ और मलबा हर साल नदी नाला सफाई अभियान के दौरान हटाई जाती है। इस वर्ष नदी सफाई अभियान के तहत नदियों में मौजूद गंदगी और मलबे को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। इससे बारिश का पानी सुचारू रूप से बहेगा और शहर के निचले हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। पीली नदी, नाग नदी और पोहरा नदी की लंबाई क्रमशः 17 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और 12 किलोमीटर है। इन दिनों रमजान माह शुरू है, ईद भी जल्द आने वाली है। शहर में कई जरूरतमंद परिवार है। इनमें से कुछ ऐसे भी है जिनमें कोरोना महामारी के चलते घर चलाने वाले अन्नदाता की मौत हो गई। यह काफी दुखद है। ऐसे परिवारों के सदस्यों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन गरीब परिवारों के लिए राहत और उम्मीद बनकर वेस्ट नागपुर MIM खिदमत खल्क टीम सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से टीम के सदस्यों द्वारा इन जरूरतमंद परिवारों में अनाज किट का वितरण किया जा रहा है। इस नेक कार्य में मोहम्मद जफर सोलंकी, सकलैन मुश्ताक, आसिफ शेख, शारिफ पठान, अशफाक भाई, रियाज शेख, मोइन अहमद, मुफ्तचिर भाई आदि कार्यकर्तागण शामिल है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रशासन में सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि, लोकाभिमुखता और निर्णय क्षमता के साथ साथ सभी के सहयोग के माध्यम से सुशासन को लागू करने की दृष्टि से शुरू की गई राजीव गांधी प्रशासनिक गतिमानता स्पर्धा आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता के पुरस्कारों की घोषणा राज्य सरकार ने की, जिसमें राज्य में महानगर पालिका समूह से नागपुर मनपा की टैक्स मॉनिटरिंग ऐप संकल्पना को दूसरा पुरस्कार दिया गया है। मनपा के प्रतिनिधि को पुरस्कार स्वरूप सम्मान और प्रशंसा पत्र दिए जाएंगे। इस सफलता के लिए मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्ण बी ने संपत्ति कर विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग और उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। राज्य सरकार की ओर से राजीव गांधी प्रशासनिक गतिमानता अभियान प्रतियोगिता के तहत 2021-22 के लिए राज्य में विभिन्न कार्यालय, विभागों व निगमों की सर्वोत्तम संकल्पना एवं उपक्रम संबंधित प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे।
प्रतियोगिता में नागपुर मनपा की टैक्स मॉनिटरिंग ऐप संकल्पना द्वितीय स्थान पर रही। इसके माध्यम से मनपा के कर संकलन में गतिशीलता लाकर संपत्ति के संबंध में सभी सटीक जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सकेगी। मनपा आयुक्त मिलिंद मेश्राम ने कहा कि इस ऐप से संपत्ति कर विभाग के काम में पारदर्शिता और तेजी आई है। गुलमोहर प्लाजा गोरेवाड़ा में चल रही भागवत कथा के दूसरे दिन हिरण्याक्ष वध एवं सुखदेव जी के जन्म की कथा हुई। विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं सुंदरकांड का पाठ त्रिलोकीनाथ पांडे के मुख से श्रद्धालुओं को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर नंदलाल मिश्रा, बिपिन बिहारी मिश्रा, राम विवेक मिश्रा, रामानुज मिश्रा, राजेश मिश्रा, ज्ञानदत्त तिवारी, विजय तिवारी, विकास तिवारी, कमलेंद्र तिवारी, अमित तिवारी, शैलेंद्र तिवारी, अजयपाल गर्ग, कमलेश द्विवेदी, महेंद्र पांडे, राजेंद्र पांडे, सतीश मिश्रा, सुनील पांडे, राजेश शर्मा, योगेश त्रिपाठी, राजेश द्विवेदी, सुनील शर्मा आदि उपस्थित थे। मंगलवार शाम को रामानुज मिश्रा द्वारा सुंदरकांड पाठ पर आधारित प्रवचन दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद वहां सतर्कता के तौर पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी आर विमला ने स्वास्थ्य विभाग को स्थिति पर ध्यान रखने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क साधकर जिलाधिकारी ने वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराने को कहा। उन्होंने कोरोना से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने और स्व संरक्षणार्थ प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करने का आह्वान किया। इस संबंध में जल्द ही स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेकर समीक्षा की जाएगी। पिछले कई दिनों से जिले में कोरोना संक्रमित नहीं मिल रहे थे, लेकिन बुधवार को आई रिपोर्ट में सिटी में दो पॉजिटिव मिले। इस बीच जो एकमात्र मरीज भर्ती था वह भी ठीक होकर घर गया। डॉक्टरों की माने तो फिलहाल जिले में स्थिति सामान्य है, इसके बावजूद सावधानी और सतर्कता बरतना आवश्यक है। वन तस्करों के हमले में मरने वाले वन मजदूर समैया की पत्नी को सामाजिक संस्थाओं की तरफ से 1,25,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई। 6 महीने पहले गढ़चिरौली जिले के सिवांचा चौकी पर ड्यूटी करने के दौरान वन तस्करों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। वहां से सागवान की लकड़ियों की भारी मात्रा में तस्करी तेलंगाना में होती है। वन विभाग ने तस्करी को रोकने के लिए बॉर्डर पर चौकी बनाई थी, यहीं पर समैया की ड्यूटी लगाई गई थी। वन विभाग में समैया परमानेंट मजदूर नहीं था, बल्कि दैनिक वेतनभोगी मजदूर के रूप में काम करता था। इसके कारण उसे सरकार की तरफ से बहुत कम आर्थिक मदद मिली। परिणाम स्वरूप वन संरक्षण से जुड़े संगठन सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए मृतक समैया के परिजनों की मदद के लिए आगे आए। सोमवार को सिरोंचा की उप वन संरक्षक पूनम पाटे की उपस्थिति में नागपुर के मानद वन्य जीव रक्षक अजिंक्य भटकर ने समैया की पत्नी को 1,25,000 का चेक सौंपा। उस समय वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रीनिवास काटकू, जीवन चौधरी सहित अन्य वन कर्मी मौजूद थे। आज 15 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का कोवैक्सीन का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा। टीकाकरण का समय शाम के 4 बजे तक होगा। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजीकरण किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोवैक्सीन के जरिए टीकाकरण किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी। इसी तरह 15 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल कामठी रोड व स्वर्गीय प्रभाकर दत्त के मनपा महाल रोग निदान केंद्र, एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामबाड़ा, इंदिरा गांधी अस्पताल गांधीनगर, मनपा स्त्री अस्पताल पाचपावली और प्रगति हॉल दिगोरी में उपलब्ध है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।